हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की नींद के बाद जागते हैं और फिर सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर इस दिन पूजा के दौरान कुछ कार्य किए जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इस एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और शंख में गंगा जल भरकर भगवान को अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद और फल चढ़ाने पर वे जल्दी खुश होते हैं, इसलिए इस दिन पीला प्रसाद जरूर चढ़ाएं। अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, ऐसा करने से धन लाभ होगा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की प्रथा है। इस एकादशी को तुलसी के पौधे पर शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर जलाएं। जल के साथ इस एकादशी को कच्चे गाय के दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं।